must finish him, Minazamgarh. He must never see Shahabad again. I agree with you, Brigadier. The rebellion in Shahabad will flare up again if this old man gets there. Use your entire infantry in this operation. Raise the fort to the ground. Get hold of that traitor, dead or alive. We will do our best, sir. हरकिशन, तुम्हारी चाल फिर विकट दिखती है। हमें लड़ने और हारे बगैर यहां से निकल जाने की पूरी तैयारी करनी होगी महाराज। जनरल लोगार्ड और ब्रिगेडियर डगलस अंग्रेजी हुकूमत की सारी औकात जुटाकर आगे बढ़ता आ रहा है। वो हमें सिर्फ हराने नहीं बल्कि किसी भी छोर तक हमारा पीछा करने आ रहा है, ताकि मुझे गिरफ्तार कर सके। हाँ, जिंदा या मुर्दा। यही बोलते डरते हो हरकिशन? उस शब्द से डरते हो जो शब्द नहीं परिणति है। किसी का जन्म तो शायद रोका भी जा सके, लेकिन मृत्यु को रोका जा सकता है क्या? इसलिए हरकिशन, मृत्यु से मेरी मृत्यु के बाद भी मत डरना। रही डगलस और लुगार्ड की जुबान दराजी की बात, तो सुनो, वो जिंदा तो क्या मुर्दा कुंवर सिंह को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। ताउम्र कुंवर सिंह की आजादी की दुआ उन्होंने कबूल कर रखी है। या अल्लाह। के साथियों के मददगार को राजद्रोह की दफा के मुताबिक न सिर्फ खुद बल्कि पूरी बस्ती को कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। होशियार, होशियार, होशियार। सरकारी हुक्म आया है कि खाट सील कर दिए जाए, नावें डुबो दी जाए, ताकि बाबू कुंवर सिंह किसी सूरत में गंगा पार ना जा सके। हाँ, लेकिन उन्हें अपने नापाक इरादे की गाज खुद झेलनी पड़ेगी। नावें जरूर डुबोई जाएंगी, लेकिन महाराज के गंगा पार करने के बाद। ताकि डगलस की सेना गंगा में अपनी भुदई छाया निहारती रहे। Who's there? Oh, come in. अंदर आओ। बोलो। हुजूर सरकार, गांव वालों ने बाबू कुंवर सिंह के लिए दावत का इंतजाम किया है और ढेरों नामों का भी। गुड। उसका पड़ाव किधर है अभी? मनियार में। गुड। ये लो, राइट न्यूज होने पर हम तुमको बहुत बड़ा इनाम देगा। हुजूर। कुंवर सिंह। Hey, no, Karumar, let's do it. I'm a cat, I'm a bunny. Hey,
चौड़ा से चौड़ा मरी सुनू सरकार आ लेकिन पहला हाथ मोहबे नहीं छूटे मेरे मोहबे पर क्रिया बार आ जो मन सुबह होके लड़ने की आपन खेच ले वो तलवार आ करो जान क्या मेरी बदने में जौनी अंग में तेगा समाय ये सब बोले जब चौड़ा सुन नहीं रुदल बोला जब चौड़ा से चौड़ा मरी सुनो सरकार और ये जतना ताकत तो है चौड़ा ने आपन खेच ले वो तलवार आ कर धक्का अब तो चौड़ा आ गई मानो खबरदार हो जाओ लेकर के भाला जब चौड़ा ली चौड़ा खुदल पीर बलवान ये से भाला तान के मारा ये रुदल पर दिया चला है ढाल याला पर भाला रोके आ भाला गिरल ढाल पर जाई ढाल फट गई जब चौड़ा की जब छाती में करक समाय ठास लाग गई जब चौड़ा की चौड़ा गिरे भूमि यराय तुरते बाबा ये खुद गई ले चौड़ा बोल के सरकार पकड़ के बाल हो ये फौजी के मुंह में पेश दे तलवार हाथन में हाथ कर या डारे गोलन बेरी दिया लगा या खिल पर पट्टर बनो की कौन हम शीशा दिया पिया है नहनो में खपचर डार के आटे रुदल बानल गई ले गंगा जी के पार आटे बड़ा हूं गमो देख बा काशी की नम चल बाल Thank you.
खान, जुदा कर। थोड़ा कष्ट और सहे महाराज, बस खाट लगते ही वैद्य आ जाएंगे। समझ नहीं सके तुम कुंवर को हर किशन, ये पीड़ा नहीं कालिक है, क्षत्रिय रक्त पर मलेच्छ की कालिक। आराम से जुदा करो, वरना मेरी दूसरी बच्चा मेरी हुक्म दली नहीं कर सकेगी। मले अक्षों से मलिन हुई खातनी माई गंगा तुझे पवित्र करे। ऐसे नहीं बनती पट्टियां सिपाहियों की, ये तो मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही खुल जाएंगी। कसकर पीठ और गर्दन को ऐसा घेरिए कि हमारी तलवार को भी धोखा ना हो। इस हाल में युद्ध करेंगे महाराज? गोरे जगदीशपुर पर टूट पड़े और हम सोते रहे वैद्यराज। महाराज कहाँ है? वैद्यराज ने दवा दी थी, अब सो रहे हैं। बुरी खबर है, जनरल लुगार्ड्स ने डगलस की मदद के लिए लैंग्रेंड्स की खूंखार सेना भेजी है और वो गंगा पार करता हुआ जगदीशपुर की ओर बढ़ रहा है। बुरी नहीं, बेहद अच्छी खबर है ये। हथियार और तोपों की कमी पूरी करने के लिए आ रहा है लैंग्रेंड्स। टायर के दिन अब पुराने हो चुके हैं, अब तो जगदीशपुर का अतला बच्चा भी छापे मार है। जिस पुल से आ रहा है वो भागते पुल न मिलेगा उसे, चीटी तक भी चोट करेगा उस पर। किसकी से लड़ेगा वो? अब सेना नहीं, जनता लड़ रही है। जनता को कौन पराजित कर सकता है सालार जंग बहादुर? अब जगदीशपुर में उसके पैर नहीं पड़ेंगे, उसे सीमाने से बाहरी कुत्ते की तरह मार भगाना होगा। चलिए फौज समेटिए, चौतरफा नहीं दसों दिशाओं से टूट पड़ना होगा उस पर। क्यों सालारे जंग, घाट पर से ही खदेड़ दें गोरों को? महाराज, हाँ
गोला बारूद दागे, तलवारें लेकर इन पर टूट पड़ो। पर वार नहीं करते, अपने लॉर्ड गवर्नर से कह देना भाग जाए हिंदुस्तान छोड़कर, वरना उसकी भी यही दुर्गति होगी। बाबू कुंवर सिंह का आजाद ख्याल चरित्र प्रकृति की तरह ही अंत तक आजाद रहा। अंग्रेज न तो उन्हें जीवित पकड़ सके, न जगदीशपुर पर कब्जा पा सके। वे उन्मुक्त थे, उन्मुक्त रहे। बाबू साहेब के बाद उनके स्वतंत्रता संकल्प के संदेश को अमर सिंह एवं हरे कृष्ण सिंह पूरी निष्ठा के साथ निरंतर बढ़ाते रहे। घायल अवस्था में भी 80 वर्षीय वृद्ध बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से फिरंगियों को खदेड़ तो दिया, परंतु बांह के घाव से शरीर में फैल रहे विषाणुओं पर उनका वश नहीं चल सका और स्वतंत्रता संग्राम का यह बहादुर योद्धा प्रकृति की गोद में विलीन हो गया। हालांकि 1857 का विद्रोह अंततोगत्वा दब गया, परंतु इस शाहबादी रणबांकुरे के मुक्ति संघर्ष ने संपूर्ण भारतीय मानस को झकझोरा और ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार अपनी जड़ें हिलती महसूस हुई। कुंवर सिंह व्यक्ति नहीं, विद्रोह की प्रेरणा और चेतना बन गए।